गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम इमरान सर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SCA फैमिली। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पेपर होता है, उस पेपर पर बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है और उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। ओके, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार ये डॉक्यूमेंट होता है और उस पर पूरी की पूरी बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है। अब हम समझ लेते हैं क्या उस डॉक्यूमेंट पे, उस कागज़ पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, हर एक पॉइंट को हम डिटेल में समझते हैं। ओके, उसलिए मैंने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिया है, कॉन्टेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ओके, कॉन्टेंट्स मतलब उस पर क्या क्या होता है, हम समझ लेते हैं। सबसे पहले उस पर होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस। ओके, जो भी हमारा बिजनेस है उसका नेम होता है और एड्रेस होता है, ठीक है। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, बिजनेस के कौन कौन से पार्टनर्स है उनका नेम, उनका नाम और एड्रेस, एड्रेस के साथ उनका उस पर नाम लिखा होता है। देन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन मतलब क्या, क्या वो कितने समय के लिए एक साथ काम करने वाले हैं, उनकी पार्टनरशिप रहने वाली है, तो ये भी चीज़ उस पर लिखी होती है। देन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर्स, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, क्या कौन से पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया है बिजनेस में, वो भी बात उस पर लिखी होती है। ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, किस व्यक्ति ने कितना पैसा उस बिजनेस में डाला है, लगाया है। ओके, उसके बाद प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयरिंग रेशो, रेशो मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, हमने बहुत सारे सम सॉल्व किए और आपको उसमें ऐसा 3:2 या 4:1 ऐसा कुछ दिखाई दिया होगा, राइट? तो ये जो होता है ये रेशो होता है, इस रेशो के बेसिस पे ही पार्टनर्स प्रॉफिट्स या लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, हमने भी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के सम सॉल्व किए, एडमिशन, रिटायरमेंट, ये जो चैप्टर से इसमें हमने सम सॉल्व किए, प्रॉब्लम सॉल्व किए और उसमें हमने इन रेशो का यूज़ किया है। ओके, उनका प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो ये जो रेशो होता है ये पार्टनरशिप डीड पे ऑलरेडी मेंशन किया होता है और उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, उनका प्रॉफिट्स या लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, देन राइट्स एंड ड्यूटीज़, अब राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होता है बच्चों? राइट्स मतलब होता है अधिकार एंड ड्यूटीज़ मतलब होता है जिम्मेदारी। अब पार्टनर्स को अगर बिजनेस चलाना है, एक साथ मिलकर बिजनेस चलाना है, तो उनको हमें राइट्स देना पड़ते हैं। तो वो राइट्स क्या क्या होते हैं, हर एक राइट्स उनका जो पार्टनरशिप डीड है उस पर मेंशन किया जाता है। ओके, और जो ड्यूटीज़ है, ड्यूटीज़ भी उनके हर एक ड्यूटीज़ को पार्टनरशिप डीड पर मेंशन किया जाता है। जैसे आप अभी स्टूडेंट हो और आपकी भी बहुत सारी ड्यूटीज़ है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट आपकी भी बहुत सारी ड्यूटीज़ बनती है, जैसे स्टडी करना, अच्छे मार्क्स मिलाना, आगे चल के फ्यूचर में सक्सेसफुल अगर होना है तो आपको ये बातें करना पड़ती है, वरना आप सक्सेसफुल नहीं होगे। उसी प्रकार पार्टनर्स की भी कुछ ड्यूटीज़ होते हैं, उनको ड्यूटीज़ पूरी करना पड़ती है। उसके बाद प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। ओके, यहाँ पर तीन बातें आपको समझना है, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। ओके, सबसे पहले हम एडमिशन क्या होता है समझ लेते हैं। मान लो दो व्यक्ति ऑलरेडी साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उन्हें इन फ्यूचर कोई नया व्यक्ति और ऐड करना है बिजनेस में, तो उसका एडमिशन कैसे करना है, ये प्रोसेस ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड पर लिखी होती है। ओके, देन रिटायरमेंट, अब रिटायरमेंट करते समय पार्टनर्स का रिटायरमेंट कैसे करना है, उसका अकाउंट कैसे सेटल करना है, ये सारी बातें उस पार्टनरशिप डीड पर लिखी होती है। एंड लास्ट है उसमें डेथ, अगर इन केस पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो उस पार्टनर का अकाउंट कैसे सेटल करना है, उसका बचा हुआ जो बैलेंस है बिजनेस में वो किसको देना है, ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड पर लिखी होती है। ओके, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्रॉविंग एक्सेट्रा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या बच्चों? कोई ऐसा परसेंटेज होता है 5%, 3%, 2%, 1%, ऐसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो कैपिटल पर किसको कितना इंटरेस्ट देना है, या लोन पर कितना इंटरेस्ट देना है, ड्रॉविंग पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, ये सारा का सारा परसेंटेज
ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड पर लिखा होता है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने भी बहुत बार ऐसे एडजस्टमेंट सॉल्व किए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, आपको शायद याद आ रहा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, तो ये सारे जो रेट है ऑलरेडी फिक्स होते हैं, डिसाइड होते हैं, वो पार्टनरशिप डील पर मेंशन किया होता है और उसी हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करते हैं या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग भी चार्ज करते हैं। ओके, एंड उसके बाद सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा पेबल टू एनी पार्टनर्स। अब पार्टनर्स भी बिजनेस में काम ही करते हैं, ओके, तो उनको भी सैलरी मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए, तो कौन से पार्टनर्स को कितनी सैलरी मिलेगी, कितना कमीशन मिलेगा, ये ऑलरेडी डिसाइड होता है पार्टनरशिप डील पर, उस बातों को मेंशन किया जाता है और उसी हिसाब से पार्टनर्स को सैलरी भी मिलती है, कमीशन भी मिलता है, राइट। तो ये जो बातें हैं ऑलरेडी पार्टनरशिप डील पे मेंशन की होती है। देन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन के समय मतलब जब भी हम कंपनी स्टॉप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उस समय हम पार्टनर्स के अकाउंट कैसे सेटल करेंगे, ये भी बातें हमें ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड पे मेंशन करना पड़ती है, उस पर लिखना पड़ता है। ओके, अब बस दो ही पॉइंट रहे, सेकेंड लास्ट पॉइंट है मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट क्या होता है? डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब इन केस फ्यूचर में अगर पार्टनर्स के बीच झगड़ा हो जाए, कोई विवाद खड़ा हो जाए, तो उस वक्त वो जो विवाद है या डिस्प्यूट है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसा सेटल करना है, ये भी बातें हम पार्टनरशिप डील पे मेंशन करते हैं। एंड लास्ट है एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये पॉइंट क्या है, क्या और भी जो बाकी बातें हैं बिजनेस के रिलेटेड उस डॉक्यूमेंट पे, उस डील पे जो पार्टनरशिप डील है उस पर मेंशन किया जाता है। सो बच्चों, ये सारा का सारा कॉन्टेंट बहुत सिंपल है, आपको एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे कोई फॉर्म होता है उस फॉर्म पर हम डिटेल भरते हैं और उस फॉर्म पे हमारी डिटेल होती है, तो वैसे ही ये डॉक्यूमेंट होता है, उस पर सारा बिजनेस के रिलेटेड, पार्टनर्स के रिलेटेड, उनके कैपिटल के रिलेटेड, इंटरेस्ट के रिलेटेड, उनके प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग के रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, बाकी कुछ नहीं। ओके, सो बच्चों आपको ये पूरा का पूरा जो पार्ट है समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं आपका वो डाउट सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।